नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर बर्ड फ्लू को लेकर आ रही है। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मुताबिक जलंधर भेजे गए 8 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। ऐसे में एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मुताबिक जलंधर भेजे गए थे 8 सैंपल जो पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 9 राज्यों में फैला है बर्ड फ्लू का कहर। देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव मिले थे और अब दिल्ली से लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। अलर्ट पर लखनऊ चिड़ियाघर। इस वक्त की ताजा अहम खबर आप तक न्यूज वर्ल्ड इंडिया पहुंचा रहा है जहां पर अब दिल्ली में भी बर्ड फ्लू पहुंच गया है। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की दस्तक। राजस्थान में सामने आया था सबसे पहला केस। एमपी के 9 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता मनोहर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? प्रदेश के कानपुर में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे के जंगलों में। यहाँ तस्वीरों में कहूँगा कैमरा से दिखाए कि यहाँ जो जंगल है, ये खेत है, ये गेहूँ का खेत है। इसमें आपको तस्वीरों में बर्ड दिखाई देंगी। कैमरा से कहूँगा नज़दीक जाकर दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बर्ड्स के ऊपर है और पूरे प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में बर्ड फ्लू की एंट्री कानपुर से हो चुकी है, जहां चिड़ियाघर में 4 मरे पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। कानपुर चिड़ियाघर में 2 दिनों में 10 पक्षी मरे मिले। अब उस बाड़े को सभी पक्षियों को उस बाड़े के सभी पक्षियों को मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कानपुर प्रशासन ने पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है, जहां लोगों के आने जाने पर भी मनाही है। यानी कि अनिश्चितकाल के लिए जो चिड़ियाघर था उसको बंद किया गया है। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर जो पक्षी हैं, हालांकि अभी गांव देहात में पक्षियों को लेकर बर्ड फ्लू को लेकर कोई डर दहशत नहीं दिखाई देती है, लेकिन शासन प्रशासन ये चाहता है कि बर्ड फ्लू को लेकर पूरे तरीके से अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अगर बात की जाए तमाम जो वन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर जो चिड़िया हैं उन पर निगाह रखी जा रही है, उनको ट्रैक किया जा रहा है और जाहिर तौर पर ये कोशिश की जा रही है जो तमाम चिड़ियाएँ हैं ये शहर की तरफ रुख ना करें, शहर की तरफ को रुख ना करें और इनके अंदर बर्ड फ्लू की कोई बात ना हो। लेकिन फिर भी एहतियातन प्रदेश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कानपुर के चिड़ियाघर को बंद किया गया है, उधर लखनऊ के जो जू है, लखनऊ का जू, उसको भी बंद किया गया है। यानी कि पूरे प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि कोई और मामले ना बढ़े, यानी कि बर्ड फ्लू यहाँ जहाँ से चला है वहीं समाप्त हो जाए। लेकिन अब दोहरी मार जनता पर देखने को मिल रही है, जहाँ पहले कोरोना अब बर्ड फ्लू की दहशत ने लोगों को पूरे तरीके से दहशत में डाल दिया है। चलिए मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।